ये जी मैंने दो आलू ले लिए, इनको बॉईल करना है। तो जैसे ये बॉईल होते हैं तो फिर आपको साथ दिखाती हूँ आटा गूंदने का सामान। ये जी हमारे आलू बॉईल हो गए हैं, अब मैं इसमें आलू डालूंगी। एक कप का चौथाई हिस्सा दूध है मेरे पास और चौथाई हिस्सा ही पानी है जी। अच्छा, आलू को ठंडा ना होने दीजिएगा, जैसे मैंने गर्म निकाले हैं फौरन से डाल दिए हैं। और एक चुटकी बराबर चीनी है, अब इसको हम लोग इसकी मदद से मैश कर लेंगे अच्छे से। ये देख लें, इस तरह इसको स्मूथ कर लिया हमने। अब इसमें मैं ये ईस्ट डालने लगी हूँ, ये तकरीबन मेरे पास 3 ग्राम ही है, हाफ पैकेट है जी मेरे पास और 7 का पूरा होता है। ये जी 2 कप मैंने मैदा ले लिया है, 2 कप इसमें डालते हैं फिर, और ज़रूरत अगर पड़े। आपने जी डो बनानी है, अगर आपको पतला लगे या लगे कि कोई चीज़ कम है तो आप और आटा वगैरह शामिल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की डो, कोई मसले वाली बात नहीं होती। तो अभी हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके देख लेंगे, जितने हमें रिक्वायरमेंट हुई उतना ही डालेंगे जी डो बनाने के लिए। और 1 टीस्पून मैं नमक डालूंगी इसमें, ये 1 टीस्पून नमक। ये जी मैंने ग्रीन ऑनियन था, तकरीबन 1 का ही मैंने ले लिया ये ग्रीन, क्योंकि मेरे पास छोटे छोटे थे बहुत, तो इसलिए मैंने ना इसको एग्जैक्टली नहीं बता सकती, बट आपकी अपनी मर्जी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रा इससे खूबसूरती आ जाएगी इसकी ग्रीन। तो बस अब इसको आटे को गूंद लेते हैं हम लोग। ये जी आटा हो तो गया, आपको साथ साथ वो इसलिए दिखा सके क्योंकि आपको पता है ये स्टिकी है, इसमें आलू डाले हुए तो वो बॉल हिल रहा था बहुत, इसलिए सोचा लास्ट पे दिखाऊंगी। तो अच्छा जी, आप इसमें ऑयल रख लीजिएगा साथ, ठीक है? तो जैसे जैसे आपको ज़रूरत फील हो, जैसे मैंने भी हाथों को ज़रा ग्रीस कर लिया क्योंकि इसको बॉल में शिफ्ट करना था, तो आप इसकी मदद से ही गूंदिएगा। बस अब इसको हम 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ज़रा, उसके बाद इसको हम बना लेंगे। ठीक है जी, अब इसको हम रख देते हैं। इसको गर्म जगह पे थोड़ा रख दीजिएगा, तो ये भी थोड़ा मेरे पास मोटा ही है रुमाल, तो इससे इसको कवर कर दूंगी मैं, तो इंशाल्लाह 30 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। ये ब्रेड को हमने 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो अब इस पे अंडे में मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया, तो वो उसका ब्रश करेंगे। हमने इसको 180 पे बेक करना और तकरीबन 30 से 35 मिनट लगेंगे। ये हमारी ब्रेड तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर मैंने मक्खन लगाना है, मैंने उसको मेल्ट कर लिया।
तो जी हमारी ये ब्रेड तैयार हो चुकी है। ये उम्मीद है आपको पसंद है कि इंतहाई सॉफ्ट बनती है, इंतहाई सॉफ्ट ब्रेड है, बहुत मज़े की है। आप लोग इसको चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पेप्सी के साथ भी। अगर आपके घर के गेस्ट आए तो आप उसके आगे भी ये बना के रख सकते हैं। बहुत मज़े की और वेरी सिंपल और एंड ईजी जी, मिनट में रेडी होने वाली है। तो जी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you.